हिट हो जाए तो हम इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पे जायरोस्कोप नॉइज डाटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस है, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस चेंज, बैक करेंगे, बैक करेंगे, नीचे आएंगे, एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। होम बटन पे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? फिर से स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो पे। फ्रेंड, यदि आपका रियलमी का फोन आपसे अचानक लॉक हो गया हो, या पासवर्ड लॉक भूल गए हो, पिन लॉक हो, या फिर पैटर्न लॉक हो, फ्रेंड अक्सर हम लोग का फोन लॉक हो जाता है पासवर्ड में, पिन लॉक में, या फिर पैटर्न लॉक में। हम लोग हमेशा अपने लॉक स्क्रीन को चेंज करते रहते हैं। अगर कोई भी बंदा आपका लॉक स्क्रीन जान जाता है, या गर्लफ्रेंड में हो, या घर पे हो, या कोई फ्रेंड हो, और आप अपने फ़ोन का लॉक स्क्रीन चेंज करते रहते हो, अचानक कभी भी आपका रियलमी का फ़ोन कुछ इस तरह से बंद हो जाए, लॉक हो जाए, और फिर आपसे फ़ोन ओपन नहीं हो पाए, अनलॉक नहीं हो पाए, तो आप उस सिचुएशन में परेशान हो जाते हो और समस्या में भी आ जाते हो। लेकिन आज की इस वीडियो पे, अगर आप हमारे वीडियो को देखने आए हो, मेरे वीडियो को देख के अपने फ़ोन को अनलॉक करने आए हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा कर आपके सामने अपने फ़ोन को आज अनलॉक करने वाला हूँ, जिससे आपका भी फ़ोन अनलॉक हो सकता है। अगर आपका रियलमी का मॉडल अलग है, रियलमी का फ़ोन 3G यूज करते हो, या 4G हो, या फिर 5G, रियलमी के फ़ोन में अगर आपका लॉक लग गया हो, लॉक को अनलॉक करना हो, तो आप सही वीडियो पे आओ। बस एक बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारा बात समझ में आ जाए कि कैसे अनलॉक करते हैं, और आप घर बैठे अपने हैंडसेट को अनलॉक करना सीख सकते हो। तो आइए, मैं बिना देर किए मैं पहले वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरा फ़ोन रियलमी कंपनी का है, जो कि पासवर्ड लॉक मांगा जा रहा है। आपके फ़ोन में पिन लॉक है या फिर पैटर्न लॉक है, तो मैं पहले बता दूं, अनलॉक करने से पहले आपको अपने फ़ोन में करना क्या है। पहला तो हमें अपने फ़ोन को ऑफलाइन मोड में लेके जाना होगा। ऑफलाइन मतलब कि आप जब ये वर्क कर रहे हो अनलॉकिंग का, तो ना कोई डिस्टर्ब कर, या कॉल करके, या फिर मैसेज करके, या कोई भी एप्लीकेशन यूज करके डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इसके लिए हम ऑफलाइन मोड के लिए एक ट्रिक यूज किए हैं। आपके फ़ोन में एयरप्लेन मोड का ऑप्शन होगा, तो ये ऑन कर लीजिएगा। अगर एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, तो आप अपने फ़ोन में से सिम कार्ड को निकाल दीजिएगा। एंड देन इसके बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आओगे, आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिया जाएगा। सिंपली इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन करना है, और यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉल का पेज ओपन होगा, और आपको एक कोड दिया जाएगा सर्विस सेंटर का। तो इस कोड को आप बारीकी से ध्यान से अपने फ़ोन में नोट कर लो, ठीक है ना। आराम से अपने फ़ोन में ध्यान से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इस कोड को एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा कि आपका कोड सही है या नहीं, एक बार देख लीजिएगा। एंड देन इसके बाद हमें इस कोड को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए हमें ये कॉल वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। कॉल हमें सिर्फ एक बार कॉल करेंगे, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा आपके स्क्रीन पे। आपको सिंपली ओके कर देना है, फिर सेकेंड बार भी कॉल करना है, फिर ओके करना है, थर्ड बार भी करना है, ओके कर देना है। 3 टाइम हमें ऐसे ही कॉल करना है। एंड देन इसके बाद इस कोड को हमें इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद हमें एक और कोड दिया गया है सर्विस सेंटर का, मास्टर अनलॉकिंग कोड *#8999, और ये है। ये कोड को डायल करते ही आप एक इंजीनियर मोड के फाइल ओपन करोगे। अगर आपका भी कुछ ऐसा ओपन हो गया हो, तो आपको यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन होगा। हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना है, हमें ये भी बताते हैं। आपको सिंपली 4 नंबर का मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन ओपन कीजिएगा,
ओपन करने के बाद एंड देन आपको सेकेंड नंबर डिवाइस पे आ जाना होगा। डिवाइस पे आने के बाद पहले आपका फ़ोन अनलॉक करना है, तो जायरोस्कोप का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ग्राफ पे क्लिक करके मैक्सिमम 5 सेकेंड या 7 या फिर 10 सेकेंड यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम 10 सेकेंड हमें यहाँ पे वेट करना है। देख रहे हो यहाँ पे अनलॉकिंग चालू हो गया है। जब 10 सेकेंड हमारा जब कंप्लीट हो जाए तो हम इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पे जायरोस्कोप नॉइज डाटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस है, स्टार्ट करेंगे सेंटेंस चेंज, बैक करेंगे नीचे आएंगे, एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। होम बटन क्लिक करेंगे, आपका या हमारा कोई का भी रियलमी का स्मार्टफोन हो वो अनलॉक हो जाएगा घर बैठे बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।